तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी फेज 12 का 20 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 20 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी फेज 12 की 20 जून की सेकंड पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चंस पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, ये हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? हरिश्चंद्र के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी में से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय किसान दिवस ये कब मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय किसान दिवस की, तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ना 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं। तो विश्वनाथन आनंद जो है ना, ये शतरंज से संबंधित हैं। अगर हम विश्वनाथन आनंद की बात करें तो इन्हें 1985 में शतरंज में उत्कृष्ट भारतीय खेल व्यक्ति के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 1987 में इन्हें पद्मश्री में भारत सरकार द्वारा दिया गया चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 1991-92 में उद्घाटन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। पद्म भूषण 2000 में भारत सरकार द्वारा जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यही पुरस्कार इन्हें दिया गया है। पद्म विभूषण 2007 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। देखिए आगरा शहर की जो स्थापना है ना, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी ने आधुनिक आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। और इसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है। और सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1489 से 1570 सॉरी सिकंदर लोदी का कार्यकाल जो था 1479 से 1517, ये इसका कार्यकाल था सिकंदर लोदी का। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो युवा दिवस जो है ना स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जान लीजिए, क्योंकि पेपर में दिवस से भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। विश्व दिवस यानी युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये तो मैंने आपको बता दिया है, 12 जनवरी को। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस आपको पता ही है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, सॉरी 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस 16 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? देखिए हरिसेन जो है ना, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि NHRI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? NHRI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। अगला क्वेश्चन था कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी आत्मकथा है? देखिए आत्मकथा से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ना, कपिल देव की आत्मकथा है। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो आत्मकथा से भी क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, तो आत्मकथा से भी क्वेश्चन देखकर आप लोग जाइए। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा ये बताइएगा कि सैन्य मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? अब्दुल कलाम आजाद को, ठीक है, अब्दुल कलाम को जाना जाता है, जो कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पुरंदर की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? देखिए पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। आर्टिकल से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, अनुच्छेद 124 से संबंधित है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अनंत और कृष्णन कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? अनंत और कृष्णन जो है ना, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 से 262 ईसापुर में हुआ था। कलिंग पर आक्रमण किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स प्रसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1764। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन थे? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे नवाब अब्दुल लतीफ खान। एक क्वेश्चन था कि 86वें संविधान संशोधन का संबंध बताओ। तो इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए हैं। एक क्वेश्चन था कि बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है ना, एक कत्थक से संबंधित है। किसे संबंधित है? कत्थक से। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए बिरजू महाराज कौन से घराने से हैं, तो बिरजू महाराज लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 जनवरी 2022 को। ये एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कत्थक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे, ठीक है। वह कत्थक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज, उनके माता पिता और गुरु अच्छन महाराज शामिल हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन था फकीर और कीर्तन नृत्य किस राज्य का है? फकीर और कीर्तन नृत्य जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन था दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का चालक सबसे ज्यादा कौन से धातु में होता है? विद्युत का चालक सबसे ज्यादा कौन से धातु में होता है? चांदी हुआ, तांबा हुआ और सोना हुआ।
सिंधु घाटी सभ्यता में डॉक यार्ड ये कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में डॉक यार्ड लोथल में स्थित है। मान लीजिए अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1900 के दशक की शुरुआत में जॉन मार्शल नामक ब्रिटिश पुरातत्वविद ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साइनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें ज़रूर सुनिएगा आप लोग जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज आरडी बनर्जी ने की थी। हड़प्पा स्थल की पहली जो खोज है 1872-73 में सर अलेक्जेंडर करियो के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। लोथल की खोज आर राव ने की थी। और बनवाली की खोज आर एस विष्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। धौलावीरा की खोज जे पी जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।